एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज प्लेटफॉर्म। तो आज इस वीडियो में हम लोग जो जीएस पेपर 2 है बीपीएससी मेंस का, उसका जो सेक्शन होता है सेक्शन 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसके लिए जो वेस्ट मैनेजमेंट का टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आज के इस डिस्कशन में हम लोग वेस्ट मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे कि ये कैसे एक प्रोबेबल क्वेश्चन है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्या रोल है वेस्ट मैनेजमेंट में। तो चलिए हम लोग इसे शुरू करते हैं। तो देखिए, इंडिया जो है, इंडिया इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, वी ऑल नो। और ये भी माना जाता है कि आने वाले कुछ सालों में इंडिया फर्स्ट पॉपुलस कंट्री हो जाएगा एज़ पर द यूएन रिपोर्ट। ठीक है, तो मेन इशू क्या हो जाता है यहाँ पर कि हम लोग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करें, कि हम लोग बहुत ज़्यादा वेस्ट तो इकट्ठा कर लेते हैं बट उसको मैनेज कैसे किया जाए। तो करेंट जो अभी अगर मैनेजमेंट पॉलिसी देखें तो ये है कि हम लोग सोर्सेस से अलग अलग जगह में, जैसे लैंडफिल हो गया, वहाँ से हम लोग कलेक्ट करते हैं वेस्ट को और फिर हम लोग उसको ट्रांसपोर्ट कर देते हैं एक लैंडफिल सिस्टम में, जहाँ पर थोड़ा थोड़ा प्रोसेसिंग होता है ऑफ द म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट। ठीक है, बट इससे क्या होता है ना कि हम लोग वेस्ट मैनेजमेंट कर तो रहे बट सही से नहीं कर पा रहे। ठीक है, उसका उससे बहुत सारा, मतलब इससे बहुत टाइप का पॉल्यूशन फैलता है। ठीक है, हेल्थ को भी इम्पैक्ट करता है। जैसे कि देखिए, अगर आप कहीं पे कचरा फैला रहे हो तो वहाँ से आपको, अगर वहाँ पे कोई रिवर बॉडी है, मेनली ये रिवर बॉडी के ही बगल में होता है, ठीक है, आप देखो, आप वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिवर बॉडी रहता है और फिर वहाँ पे उसके बाद जो वहाँ पे एग्रीकल्चर होता है उसको इम्पैक्ट ये करेगा, वहाँ पे जो लाइवलीहुड चलता है लोगों का उसको इम्पैक्ट करता है। वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा बीमारी होता है, खास करके जो वाटर रिलेटेड बीमारी होता है टाइफॉइड के, वो बहुत बड़े शिकार होते हैं। ठीक है, तो ये सब हो गया। तो क्या होता है कि इससे वाटर इम्पैक्ट होता है सरफेस, और ग्राउंड वाटर इम्पैक्ट होता है, ग्राउंड वाटर ही हम लोग कंज्यूम भी करते हैं, तो वो हम लोग का हेल्थ को डिटोरिएट करेगा, पॉल्यूशन करता है और हेल्थ हैजार्ड लेके आता है। तो इसमें हम लोग अब देखते हैं कि कौन कौन से टाइप के वेस्ट जनरेट होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारा वेस्ट होता है, जैसे ऑर्गेनिक वेस्ट। ऑर्गेनिक वेस्ट उतना ख़तरनाक नहीं है, इट कैन बी, इट इज़ वेरी बायोडिग्रेडेबल, और ये बायोडिग्रेड हो जाता है, बैक्टीरिया इस पर अटैक करके इसको ख़त्म कर देता है। ये मेनली जो किचन वेस्ट होता है या फिर जो गार्डन वेस्ट होता है ये कंप्राइज करता है। इनफैक्ट ऑर्गेनिक वेस्ट को आप लोग ऐसे करके बता सकते हो कि हम लोग ऑर्गेनिक वेस्ट को जो है वो फर्टिलाइज़र के रूप में इस्तेमाल करते हैं। व्हेन वी आर मिक्सिंग इट विद द काउ डंग, इट बिकम्स अ वेरी गुड फर्टिलाइज़र। ठीक है, बात आता है प्लास्टिक वेस्ट का। ठीक है, तो इसे हम लोग सही से बायोडिग्रेड नहीं कर पा रहे, तो हम लोग को यहाँ पे रिसाइकल रीयूज़ का पॉलिसी अपनाना होगा, जहाँ पर हम लोग प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकल कर पाए। ठीक है, ताकि उसे रीयूज़ कर पाए। तो आप यहाँ पे ये भी दे सकते हो कि अभी जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट और बिहार गवर्नमेंट भी, ये लोग कहे कि 1 जुलाई 2022 से जो भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक होगा उसको बैन कर दिया जाएगा। ठीक है, और एक तरह से उसको रिड्यूस किया जाएगा और लोगों में अवेयरनेस जनरेट किया जाएगा। ठीक है, तो ये प्लास्टिक वेस्ट का हो गया। फिर आता है मेटल वेस्ट मटेरियल, मेटल वेस्ट मटेरियल। तो ये जो होता है, जैसे कि कोई भी कॉपर का यूटेंसिल हो गया, जैसे हम लोग भी घर में बहुत बार आता है कचरा लेने वाला, मतलब कि नहीं कचरा नहीं, वो जो होता है ना कि मेटल को एक्सचेंज करते हैं, एक तरह से कचरा ही हुआ। ठीक है, तो उसको एक्सचेंज करते और बदले में हमें पैसा मिलता है। तो हम लोग अगर उन लोगों को ये दे पाए तो उन लोगों के लिए भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ, फिर वो लोग कहीं जाकर के उसके सेल करेंगे तो फिर उसे रीयूज़ किया जाएगा। तो मेटल वेस्ट मटेरियल को भी, एक जो वेस्ट होता है इसको भी रीयूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट आज के टाइम में बहुत बड़ा हैजर्डस चीज़ है, क्योंकि इससे बस यही नहीं होता है कि एक वेस्ट जनरेट हो रहा है, इससे पॉल्यूशन भी होता है। और पॉल्यूशन जो होता है ना, ये हमारे हेल्थ को बहुत गंदे तरीके से, क्योंकि नॉर्मल तो ऐसे अगर वाटर से डिजीज़ हुआ तो टाइफाइड करेगा, बट इससे अगर हुआ ना तो वो हमारे बॉडी में कैंसर ला सकता है। ठीक है, दे कैन बिंग वेरी, और रेडिएशन के कारण होगा। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। फिर बायोमेडिकल वेस्ट, इन द रिसेंट टाइम जब कोविड आया बहुत ज़्यादा, तो हम लोगों ने देखा कि कैसे कोविड के कारण बहुत बहुत ज़्यादा मास्क, ठीक है, मास्क हो गया, फिर आपका ऑक्सीजन सिलेंडर ये सब, फिर आपका बहुत सारा दवाई, ये सब बहुत ज़्यादा एज अ वेस्ट जनरेट हुआ, बट इसको प्रॉपरली मैनेज नहीं किया गया। बहुत सारे एग्जांपल्स भी आया था कि बहुत जगह जो मास्क था, वो भी जब 2020 और 21 का टाइम है, तो उस टाइम ऐसे फेंका जा रहा था, मतलब कि दे वर नॉट थिंकिंग कि अगर किसी को भी इन्फेक्शन हो जाए कोविड 19 से, देन वॉट विल हैपन, एंड इट वॉज सच अ वेरी बैड पेंडेमिक। ठीक
ठीक है। तो हम लोग को बायोमेडिकल वेस्ट को भी जो है उसको भी हम लोग को अच्छे से मैनेज करना है, ठीक है। तो ये बायोमेडिकल वेस्ट हो गया, टोटल 5-6 टाइप के वेस्ट है। ऑर्गेनिक वेस्ट विच कैन बी विच इज़ बायोडिग्रेडेबल, प्लास्टिक वेस्ट, मेटल वेस्ट मटेरियल, फिर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट और बायोमेडिकल वेस्ट, ठीक है। फिर हम लोग अब देख लेते हैं कि रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या है वेस्ट मैनेजमेंट में। तो पहला है सेंसर बेस्ड वेस्ट कलेक्शन, कि सेंसर बेस्ड वेस्ट कलेक्शन हम लोग करें, एक तरह से मॉनिटरिंग प्रॉपरली हो और वेस्ट को सही से कलेक्ट किया जाए यूजिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फिर दूसरा क्या है, ऑटोमेटेड वेस्ट कलेक्टन कलेक्शन सिस्टम। देखिए बहुत बार ये होता है कि जो नाला होता है, ड्रेनेज सिस्टम, वहाँ पे हम लोग ह्यूमन को एम्प्लॉय करते हैं ताकि वो लोग वेस्ट वहाँ से निकाले, बट दैट इज़ नॉट वेरी एथिकल। वहाँ पे हम लोग मैनुअल स्कैवेंजिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे वो सब ना हो इसलिए हम लोग अब ऑटोमेटेड वेस्ट कलेक्शन सिस्टम लेकर के साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हेल्प होगा, मतलब कि वेस्ट मैनेजमेंट में हेल्प होगा। यहाँ तक कि तमिलनाडु गवर्नमेंट भी हाल में ही एक रोबोट बनाया, मतलब लेकर के आया कोई IIT, विच वॉज फॉर द मैनुअल स्कैवेंजिंग, कि अब हम लोग को जो ह्यूमन है उन्हें इम्प्लॉय नहीं करके हम लोग मैनुअल स्कैवेंजिंग के लिए हम लोग रोबोट्स को इम्प्लॉय करें, ठीक है। फिर क्या है कि GPS डिवाइसेस एंड सेंसर ऑन वेस्ट ट्रक, कि जो ट्रक जो जाता है, जो सुबह सुबह आता है कचरा वाला गाड़ी, तो उसमें GPS डिवाइसेस हो, सेंसर हो, ताकि हम लोग जो वेस्ट जहाँ जा रहा है उसको हम लोग ट्रैक कर पाए, ठीक है, उन सारे ट्रक को, उन सारे व्हीकल को। फिर क्या, सेंसर बेस्ड सॉर्टिंग, कि कौन सा वेस्ट किस टाइप का, जैसे अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि 5 टाइप का वेस्ट है, तो एक तरह से सेंसर लगा करके हम लोग इसको सॉर्ट आउट कर ले कि ये इस पर्टिकुलर टाइप का वेस्ट है, ये ऑर्गेनिक है, ये आपका बायोमेडिकल है, ये आपका मेटेलिक है, ये इलेक्ट्रॉनिक है। डैट वी कैन डू, वी कैन सॉर्ट दोज वेस्ट यूजिंग द सेंसर बेस्ड सॉर्टिंग। फिर पॉल्यूशन सेंसर, हम लोग ये भी कर सकते हैं कि किस एरिया में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया, वेस्ट मैनेजमेंट पॉल्यूशन सेंसर इम्प्लॉय कर दे। एनर्जी सिमुलेशन हो सकता है यूजिंग साइंस एंड टेक। फिर एनालिटिकल बेस्ड लैंडफिल मैनेजमेंट, जो लैंडफिल है जहाँ पे कचरा फेंका जाता है, उसे भी हम लोग अच्छे से मैनेज कर सकते हैं साइंस एंड टेक के मदद से। फिर क्या, इंटीग्रेटेड एसेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन, जो एक तरह से जो वेस्ट मैनेजमेंट करेंगे उसका हम लोग, मतलब होता है ना कि एक ही, बस ये नहीं देखना है कि लैंड पॉल्यूशन हो रहा है या फिर लैंड वेस्ट जनरेट हो रहा है, वाटर वेस्ट भी बहुत सारा होता है और भी बहुत सारा वेस्ट है, ठीक है। जैसे हम लोग वो 5 भी वेस्ट देखे, वो सब भी है, तो हम लोग को उसको इंटीग्रेटेड वे में उसका सॉल्यूशन लेके आना होगा। फिर बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन ये कर सकते हैं। फिर वर्कफोर्स एंड रिसोर्स मैनेजमेंट, की वर्कफोर्स जो हम लोग ह्यूमन लेबर को एम्प्लॉय करते हैं और फिर जो जो रिसोर्स हम लोग यूटिलाइज़ करते हैं उसको भी हम लोग सही से मैनेज करें। फिर सिटी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, जो कि अभी स्वच्छ भारत सर्वेक्षण होता है हर साल, तो उसमें इंदौर को मिलता है, तो वही इसके अंदर थी, हम लोग सिटी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कर सकते हैं कि कौन सिटी बेटर परफॉर्म कर रहा है। एक और चीज़ कर सकते हैं कि देखिए जो इंदौर जैसा मॉडल फॉलो करता है या जो भी टॉप जो स्टेट है या टॉप डिस्ट्रिक्ट है वो जैसा मॉडल फॉलो करते हैं, वी शुड रेप्लिकेट दैट मॉडल इन द अदर सिटीज़ एज वेल, ताकि ये बेनिफिट हो सके। फिर क्या, इंटीग्रेटेड कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर, ये बनाया जाए इंटीग्रेटेड कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर, कि यहाँ एक पर्टिकुलर जगह हो जहाँ से जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसको अच्छे से ऑपरेट किया जाए, और जियो स्पेशल डैशबोर्ड का क्रिएट किया जाए कि एक तरह से हम लोग GPS का मदद से सारा चीज़ को ट्रैक कर सके, जहाँ जहाँ वेस्ट हो रहा है और कहाँ अगर देखें कि कोई अर्बन एरिया है वहाँ पे अगर पॉल्यूशन या फिर वेस्ट फैल रहा है, तो वहाँ पे हम लोग उसको अच्छा से मॉनिटरिंग करके उसको रेगुलेट कर पाए और उसको हम लोग इमिडिएटली स्टॉप कर दें, ठीक है। तो ये सब था एक स्वच्छ भारत मिशन में 4 P's है, ये अगर आप एग्ज़ाम में आंसर राइटिंग में इंक्लूड करते हैं देन इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। एक है कि देखिए अगर हम लोग वेस्ट मैनेजमेंट करें तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो पॉलिटिकल लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है, ठीक है। अभी अगर स्वच्छ भारत मिशन को सही से इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता बाय द NDA गवर्नमेंट देन इट वुड नॉट बी वेरी बेनिफिशियल राइट नाउ, ठीक है। तो पॉलिटिकल लीडरशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर प्रधानमंत्री सामने आए और खुद झाड़ू उठा करके अगर साफ किए तो इससे हम लोग में आता है, मतलब एक जागरूकता आता है कि इफ ही कैन डू देन वाई वी शुड नॉट डू, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा है पब्लिक फाइनेंसिंग, कुछ भी चीज़ बिना पैसा का नहीं होता है, ठीक है। अगर हम लोग कहीं साफ सफाया भी करें, वी नीड टू इम्प्लॉय द वर्कर, तो हम लोग को उन लोगों को फाइनेंशियली हेल्प करना होगा। अगर हम लोग कोई टेक्नोलॉजी यूज़ करें तो फाइनेंशियली हम लोग को उसको
पैसा देना होगा, ठीक है, तो ये हो गया। तीसरा है पार्टिसिपेशन, वी ऑल्सो नीड टू फॉस्टर पीपल्स पार्टिसिपेशन, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे पब्लिक पार्टिसिपेशन, कि यहाँ पे पार्टिसिपेशन पब्लिक का होना चाहिए, ठीक है, तो ये आप चार पीस लिख सकते हैं वहाँ पे। और कुछ कुछ गवर्नमेंट स्कीमें जो कि यहाँ लिखे नहीं हुए, तो वो मैं आपको बता दूँ। पहला है कि वेस्ट टू वेल्थ पोर्टल, ठीक है, ये गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है, बाय जिसमें कि जो वेस्ट है उसको कन्वर्ट करके उससे वेल्थ क्रिएट किया जाएगा, ठीक है, जिसमें आइडेंटिफाई किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा और टेक्नोलॉजीज को, जिससे कि जो वेस्ट है वो जनरेट होकर के उससे एनर्जी प्रोड्यूस हो और उससे वेल्थ एक्यूमुलेट हो। दूसरा है नेशनल वाटर मिशन, इसमें क्या है कि कंजर्वेशन ऑफ वाटर किया जाएगा, मिनिमाइज किया जाएगा वेस्टेज को और एक तरह से जो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है उसको कंट्रोल किया जाएगा, ठीक है। फिर क्या है कि वेस्ट टू एनर्जी, इसमें क्या है कि जो भी कचरा है उससे हम लोग वेस्ट जनरेट करें। फॉर एग्जांपल लेट मी टेल यू कि स्टबल बर्निंग तो आप लोग सुने ही होंगे, स्टबल बर्न एक तरह से वो कचरा है, बट वी आर नाउ यूजिंग इट टू मेक CBG, ठीक है, कॉम्प्रेस बायोगैस, ठीक है, उससे हम लोग पता है एक पिलेट, एक पैडी पिलेट को भी बना रहे, ठीक है, पैडी पिलेट विल बी यूज इन द थर्मल प्लांट फॉर जनरेटिंग हीट, तो ये भी हम लोग कर सकते हैं जो कि वेस्ट टू एनर्जी के ही अंदर आता है, सॉरी। फिर गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो ब्रॉट प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016, तो इसमें भी ये किया जा रहा है कि हम लोग मिनिमाइज करें प्लास्टिक वेस्ट को, और इधर उधर जो हम लोग कचरा फैला देते हैं प्लास्टिक वेस्ट को, लिटर कर देते हैं, वो भी ना हो, और एक तरह से सेग्रीगेटेड स्टोरेज हो वेस्ट का एक इंटीग्रेटेड वे में, ठीक है। अब हम लोग को करना, मतलब कंक्लूज़न में क्या दे सकते हैं कि पार्टनरशिप सही से होना चाहिए, गवर्नमेंट को ये जो ग्राउंड लेवल पर है वहाँ पे जाके इम्प्लीमेंट करना चाहिए, जो एग्जीक्यूटर्स है उसे वो इंश्योर करे कि जो पॉलिसीज़ है वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो। फिर क्या कर सकते हैं हम लोग, कि एक सर्कुलर इकोनॉमी का पाथ को फॉलो कर सकते हैं, जिसमें कि हम लोग रिसाइकिल करें मटेरियल्स को, ठीक है, तो ये सब चीज़ हो सकता है। फिर जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है उसको हम लोग प्रोसेस कर सकते हैं, जिससे कि बहुत सारे जो प्रीसियस मेटल है, जैसे कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है तो उसमें एल्युमिनियम रहता ही है, ठीक है, तो वो सब चीज़ को हम लोग एक्सट्रैक्ट कर पाए। पार्टनरशिप होना चाहिए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होना चाहिए, ठीक है, तो ये सब चीज़ हम लोग इसमें कंक्लूज़न में दे सकते हैं। तो ये वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में था। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसे लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपको टेस्ट सीरीज से जुड़ना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर पे, जिसका आई विल प्रोवाइड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए।